अजीब भैया का फोन। हेलो भैया, कैसे हो? मैं बढ़िया। तू बता कैसी है और क्या कर रही है? कुछ नहीं, बस खाना खाने आए थे बाहर रेस्टोरेंट में। हो, बाहर खाना खा रही है? बढ़िया है। हाँ भैया, क्या खा रही है? हमने ना पास्ता ऑर्डर किया था और पिज्जा भी है, और साथ में वो आपके फेवरेट कोल्ड कॉफी भी मंगाई है। अच्छा, चल बढ़िया है। वैसे ज्यादा बाहर का खाया मत कर, तुझे पता है ना कितनी गर्मी पड़ रही है। अरे भैया, मैं तो इनको बोलती हूँ कि घर पे कुछ बना देती हूँ, तो बोलते हैं रोज तुम घर पे तो बनाती हो, कम से कम हफ्ते में एक बार तो हमें बाहर खाना चाहिए। तो बस बाहर ही आ गए। आप बताओ, आप क्या कर रहे हो? हाँ, फोन कर लिया मैंने तो पूछ लिया तूने, वरना तू तो पूरा दिन बिजी रहती है, भाई को टाइम ही नहीं देती अपने। अरे नहीं नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो खुद करने वाली थी आपको फोन। अच्छा, चल कोई बात नहीं, एक काम करता हूँ, शाम को ही आता हूँ तेरे से मिलने। शाम को? अरे नहीं नहीं भैया, शाम को तो हम ट्रिप पे जा रहे हैं। भैया आप एक काम करो, आप मत आओ, मैं आ जाऊंगी आपसे मिलने। जैसे हम ट्रिप से आएंगे ना, वैसे मैं आ जाऊंगी। अरे, तूने अचानक ही प्लान बना लिया? चल कोई बात नहीं। हाँ भैया ठीक है, इन्होंने अचानक ही प्लान बना लिया था, क्या ही बताऊँ। मैं तो कह रही थी हरिद्वार चलते हैं, पर फिर इन्होंने बोला मनाली चलते हैं, तो एक हफ्ते बाद ही लौटेंगे। ठीक है, मैं आ जाऊंगी आपके पास। ठीक है भैया, खाना आ गया, मैं करती हूँ आपसे बात। ठीक है, ठीक है। वर्षा, तुमने झूठ क्यों बोला? सच क्यों नहीं बोला कि क्या खाना खा रहे थे हम लोग? क्या सच बताती हूँ कि हम ये सूखी रोटी खा रहे हैं? तुम्हें पता है भैया अभी आ जाते हैं, और हमें इस हालत में देख के तुम्हें लगता है हमें रहने देते वो ऐसे? तुमने ही तो बोला था कि तुम्हें मेरे भैया की कोई हेल्प नहीं चाहिए, कोई पैसा नहीं चाहिए। तो तुम्हें एक बात बताओ, कोई भाई अपनी बहन को ऐसे रहने देगा? नहीं ना। और रही मेरी बात, मैं तुम्हारे साथ हर हालात में खुश हूँ, सुख हो या दुख हो, दोनों को साथ में ही तो बांटने हैं। हाँ हालात बदलते रहते हैं, पहले कुछ और बात थी, अब कुछ और है, अप एंड डाउन तो आते रहते हैं ना लाइफ में। और किसने बोला कि जैसा आज है वैसा कल भी होगा? तो तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अब चलो, रोटी ठंडी हो रही है, खा लो। चलो पहले तुम तो खाओ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छी जगह रह रही है तू, है ना? भैया आप यहाँ? जब तुझे झूठ बोलना आता ही नहीं है तो क्या जरूरत है झूठ बोलने की? मैं ना बचपन से जानता हूं तुझे कि जब भी तू झूठ बोलती है ना तो तेरी जबान लड़खड़ाने लग जाती है। भैया ऐसा कुछ भी नहीं है, आप गलत समझ रहे हो, मैं आपको बताने वाली थी। आपको एड्रेस कहाँ से मिला यहाँ का? अरे छोड़ ये सब, तू कैसे घर में रह रही है बहन? और तेरे इतने बुरे हालात है, तूने एक एक बार मुझे बताना जरूरी नहीं समझा? क्या फायदा तेरे भाई का इतने पैसे कमाने का, जब वो अपनी बहन को खुशी रख सकता? तो बहन तुझे खुशी खुशी विदा किया था ना, और कोई भाई नहीं चाहता कि उसकी बहन ऐसे ऐसे हालात में दिखे। किसने बोला भैया मैं खुश नहीं हूं? मैं तो बहुत खुश हूँ। कुछ सालों की बात है, जैसे हम पहले रहते थे वैसे हालात फिर से आ जाएंगे। भैया मैं जानती हूँ आपको मुझे देख के बहुत दुख हो रहा होगा, पर आपने ही तो सिखाया है ना, हमेशा स्ट्रांग बनो, और आपकी बहन बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, हर सिचुएशन ऐसे चुटकियों में पार कर लेगी। जैसा आपको मुझ पे भरोसा है ना, वैसा ही मुझे मेरे पति पे भरोसा है, वो सब कुछ ठीक कर देंगे। और भैया भगवान ना करे अगर आपके साथ सेम सिचुएशन होती तो भाभी भी तो आपके साथ खड़ी होती ना, क्या आप भाभी के घर वालों से मांगते मदद? खैर छोड़िए, मैं भी बातों बातों में भूल ही गई,
आप बैठिए ना, मैं पानी लेकर आती हूँ। मुझे प्राउड है अपनी बहन पे कि वो हर सिचुएशन का डट के सामना करती है। वरना अक्सर अपने दोस्तों से सुनता रहता हूँ, उनके बहन के घर में कोई भी कलेश होता है अपना घर छोड़ के अपने भाइयों के घर पे आ जाती है। और एक तू है जिसके साथ इतना कुछ हुआ और अपने भाई को भनक नहीं लगने दी। ये सारे माँ बाप की परवरिश का नतीजा है। और देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। अरे भैया हाँ, अरे बस बस, आज नहीं ले जा रहा अपनी पत्नी को खाने पे? क्या क्या खिलाएगा? बर्गर, चाउमीन, पास्ता? भैया क्या भैया, मैंने तो बोला ही था इसे कि झूठ क्यों बोल रहा। कोई बात नहीं।